Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. पांच अगस्त का दिन भारत के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है. आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन पिछले साल आज ही के दिन हुई और ये एक ऐसा शुभ दिन है कि जिसमें अब राम मंदिर की जो बुनियादें हैं वो भी रखी जा रही हैं. और एक और शुभ इसमें बात ये शामिल हो गई कि भारत के एक महान फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म एक्टर ने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है, कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन. भारत फिल्म इंडस्ट्री की ये फिल्म एक तरह से खराज तहसीन पेश कर रही है उस हिस्टोरिक फैसले को जो भारत की सरकार ने एक साल पहले लिया. मेरे साथ इस वक्त भारत फिल्म इंडस्ट्री से बॉम्बे से जुड़े हुए हैं युवराज कुमार जी, जो बहुत ही बढ़िया फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक्टर हैं. वेलकम युवराज भाई, कैसे हैं आप? इतनी खुशखबरियां शामिल हो रही हैं कि आपकी फिल्म भी उसमें शामिल होगी. कैसा लग रहा है इस शुभ दिन के मौका पर आपको? जी ताहिर गुरु जी, इट इज अ वेरी हिस्टोरिक डे हमारे लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया लेकिन ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए.
इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा इतना डिवर्स है कि यू नो इट इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीबडी. हर एक रिलीजन यू नो जो आवाजें थी, जो जेन्युइन आवाजें थी, तो यू नो इन टू द ट्रिक ऑफ मैनिपुलेशन इनकी आवाजें उभर कर आ रही है. और आपने ऐसे कहा कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो महान है. हम तो जस्ट वी आर द सिटीजन्स. आई डोंट थिंक आई एम महान, बट डेफिनेटली जो हमारा रीजन है वो बहुत हिस्टोरिक है, महान है. और यू नो वी आर सच एन ओल्ड सिविलाइजेशन. तो ये जो 5th ऑगस्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड जैसे मैंने आपको बोला, ये मासेस का जो ड्रीम था, जो उनकी रियल आवाजें थी, यू नो इस पर डिसीजन हुआ है और आगे एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर लगता है. बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा. ये बताइए कि इस फिल्म में कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन, ये फिल्म की कहानी हमें बेशक पूरी ना बताइए, हमें पता है कि इसमें कुछ सस्पेंस रहने दें, मगर इसका क्या है पूरे का पूरा जो एक मैसेज है वो क्या है? सो ताहिर गुराज जी, पहले मैं आपको मेरी हिस्ट्री बताना चाहूँगा. जी जी प्लीज. मैं और जो मेरी टीम है स्पेशली इंडिया से, जो फिल्म मेकिंग टीम है, वी आर अ न्यू ब्रीड ऑफ फिल्म मेकर्स. सारे जो यू कैन से टीम, एंटायर टीम, स्टोरी राइटर से स्क्रिप्ट राइटर से लेकर एक्टर्स, यू नो ये हम सारे ट्रेंड है. यू नो वी हैव टेकन दिस प्रोफेशन वेरी सीरियसली. हमने हमारे जिंदगी के बहुत साल दिए हैं फिल्म मेकिंग सीखने में. एंड जब इट्स अ कलेक्टिव ड्रीम, आई मस्ट से, जो हमारी फिल्म का कास्ट एंड क्रू और टीम है, इट इज मोर देन 600 पीपल, यू नो. और हमारा ये कलेक्टिव एफर्ट है टू मेक वर्ल्ड क्लास सिनेमा. और सिनेमा नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन एक ऐसा सिनेमा जो कुछ नई चीजें दिखाएंगी लोगों को, प्लस एट द सेम टाइम एक अहम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी. इस ड्रीम से हमने एक सोचा 4 साल पहले. आपने इससे पहले भी एक फिल्म बनाई युवराज जी, वो भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, आइसिस को एक्सपोज किया. अब कश्मीर पे आपने जो फिल्म बनाई, ये तो मैं कहूँगा कि इसमें ज़रूर आपने जो वहाँ पे जहादी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको भी एक्सपोज किया होगा. तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारे दर्शक ये फिल्म देखेंगे तो आपने उस सारे जहाद को एक्सपोज किया है वहाँ पे? जब मैं और जो फिल्म की राइटर है मिस सोनल शेर, जो एक कश्मीरी पंडित है, जब हम ये फिल्म की रिसर्च कर रहे थे, ऑफ कोर्स हमारे बहुत सोर्सेज होते थे, यू नो कश्मीर के लोकल मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित्स, और इवन आर्मी और कश्मीर के अवाम, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू, और डेफिनेटली आपके शोज ताहिर गोरा जी. आप यू नो आई टोल्ड यू 4 years बैक हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, यू नो लिखना. 4 years बैक पीपल वर नॉट डिबेटिंग कश्मीर सो वेल एंड ओपनली से आप और आपकी टीम. एंड आई टू लव द लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम, 2 hours, 2.5 hours, यू नो ऐसे नहीं था कि 30 minutes में एक डिस्कशन खत्म करना है. युवराज भाई, ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? चूंकि हमारे दर्शकों को तो इसका शिद्दत से इंतजार है. जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 days हमारी फिल्म रेडी हो जाएगी. और उसके बाद ऑफ कोर्स ये कोविड का मसला तो चल रहा है, तो रिलीज यू नो इज अ क्वेश्चन मार्क. इन द सेंस थिएटर्स तो चल नहीं रहे यहाँ पे इंडिया में, और आजकल बहुत सारी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कॉल लेंगे, लेकिन वो ज़रूर चाहेंगे कि वो एक मासेस तक पहुंचे एज सून एज पॉसिबल. आप इसको जैसे नेटफ्लिक्स या और जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी रिलीज करने का सोचते हैं या बाद में सोचेंगे? तारक गुराजी, ये कॉल तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स लेंगे.
आपको क्या लगता है कि इस फिल्म से भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो ट्रेंड है वो किस तरह चेंज होगा? चूंकि जो मैंने इसका ट्रेलर देखा और जो एक गाना देखा, मुझे तो बहुत ही ये डिफरेंट किस्म का इसमें से टच मिलता है। यू नो, यू आर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स, दैट्स ऑल आई कैन से। वैसे हमने ऑलमोस्ट, मेरी सारी टीम ने प्लेज लिया है कि यू नो, जो इंडिया की फिल्म, जो फिल्म इंडिया से आएगी, इट हैज टू बी वर्ल्ड क्लास। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये जो फिल्म अब रिलीज होगी, रिलीज वाकई कोविड के ज़माने में उस तरह तो नहीं हो सकती जिस तरह फिल्में हुआ करती हैं, लेकिन जो आपके दर्शक कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में बैठे हुए हैं, वो इस फिल्म को कैसे देख सकेंगे? ताहिर गुरा जी, अगर ये OTT प्लेटफॉर्म रिलीज होगी तो यू नो, इट इज ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड और इट कैन बी व्यूड इन मोर देन 160 कंट्रीज, तो ऑब्वियसली व्यूअरशिप तो विल बी अ बिग रेंज, यू नो। इस फिल्म में आप भी हीरो के तौर पर काम करते हैं, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत पर्सनल है फिल्म में, आपको कैसा लगा इस फिल्म में इतने डिफरेंट डायमेंशन से काम करने के हवाले से? डायरेक्शन भी है, प्रोडक्शन भी है, एक्टिंग भी है, तो ये इन्वॉल्वमेंट आपको कैसी लगी? यू नो, व्हेन आई टेक अ सब्जेक्ट, आई मेक दैट एज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। जब हमने ये फिल्म का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, हमारी सबसे पहला इंटेंशन ये था कि हम कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करें, और उसके बाद यू नो, व्हेन आई एम सो इन्वॉल्वड इन अ प्रोजेक्ट, यू नो, आई कंप्लीटली गिव माय सेल्फ टू इट, यू नो। तो जो राइटिंग भी है, यू नो, जो डायरेक्शन पार्ट है, यू नो, सही चीजें, वर्ल्ड क्लास चीजें तरीके से दिखाना, जो मेरी ट्रेनिंग है, मैं कॉन्फिडेंटली इसे राइट कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ। आई हैव टू प्ले मल्टीपल रोल्स मेनी टाइम्स, यू नो, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन समबडी, प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन द मूवी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है सभी से। और जो हमारी कोर टीम है उसमें 10 लोग हैं, और ये 10 लोग आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द प्रोजेक्ट, डे इन डे आउट, यू नो। You want, I'll tell you something, Tahir Guraji. I met my wife, who's a Kashmiri Pandit, and we got married during the project. That's how involved I am, you know, in the subject, the project. और मैंने आपकी वाइफ का भी इसमें रोल जो है वो ट्रेलर में और जो इनके डिफरेंट इंटरव्यूज हैं उसमें देखा और सुना, और उसमें हमें ये भी पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी को कनाडा से भी जोड़ा जाता है, तो ये ख्याल कैसे आपको आया? जी, थैंक्स फॉर योर शो। थैंक यू। आप जो कलेक्ट कनाडा में बैठकर कश्मीर पर यू नो डिस्कस करते थे, यू नो, तो मेरी जो राइटर है फिल्म की, सोनल शेर, तो दैट वाज द आइडिया कि ओ, यू नो, देयर आर NRIs, यू नो, देयर आर कश्मीरीज हु आर लिविंग अब्रॉड, यू नो, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं मीलों दूर बैठे, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट कश्मीर टू डेवलप, दे वांट टू कम बैक टू कश्मीर। इट गोज टू योर शो, द इंस्पिरेशन के फैमिली है, पंडित फैमिली है जो कनाडा में माइग्रेटेड है, और वहाँ पे कश्मीरी डायस्पोरा है, ये लोग वीकेंड्स को साथ में आते हैं, कश्मीर के मसले पर डिस्कस करते हैं, यू नो, और दैट्स व्हाट जो रिपी है, मेरी वाइफ, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ मिस शिरीन, शी इज ग्रोन अप विद दीज डिस्कशंस, यू नो, दैट अलाउज हर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, टू अंडरस्टैंड कश्मीर बेटर, यू नो, एंड शी मेक्स अ विजिट विद अ फैमिली टू कश्मीर। जो मेरी वाइफ है रिपी, वो एक्चुअली उनका बेस US था, तो हम ऑडिशंस कर रहे थे लीड एक्ट्रेस के लिए, एंड शी फ्लू फ्रॉम US टू इंडिया जस्ट फॉर द मूवी, और उनका एक जॉब था मैकेंजी में, तो उन्होंने एक्चुअली वो जॉब छोड़ा USA में, शी शिफ्टेड टू इंडिया
जस्ट फॉर द मूवी ताहिर जी, बिकॉज शी इज अ प्राउड कश्मीरी पंडित एंड शी वॉन्टेड टू यू नो गिव हर अ बिट, शी टुक अ बिग रिस्क एंड शी वॉन्टेड टू डू दिस फिल्म, बिकॉज जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी शी वॉज रियली हैप्पी, शी लाइक वाओ आई कैन डू समथिंग फॉर कश्मीर। आप ने पीछे बात की कि ये एक फिल्म नहीं है बल्कि ये एक तरह से कश्मीर को समझने की, कश्मीर की जानकारी के लिए भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसके साथ साथ ये एक सलूशन भी है, कश्मीर का सलूशन। तो कश्मीर के सलूशन के सिलसिला में बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, आर्टिकल 370-35A को एब्रोगेट कर दिया। तो आपकी फिल्म कहती है द कश्मीर फाइनल रेजोल्यूशन, तो वो जो फाइनल रेजोल्यूशन है वो दर्शक फिल्म को देखने के बाद क्या उनको कोई कंप्लीट सलूशन मिल जाएगा? बिल्कुल तारगुरा जी, यू नो जब हम फिर से जब स्क्रिप्ट लिखते थे तारगुरा जी, तब हमारी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी यू नो, और वी यूज्ड टू राइट डाउन ऑल द माइनस पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स, क्या सोल्यूशन हो सकता है, वॉट कैन बी प्रैक्टिकली यू नो, और तभी हम देखते थे कि ये आर्टिकल 370 वाज अ बिग ब्लॉक इन डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। हम तभी ही कंक्लूजन पर आ गए थे एज फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स यू नो। तो ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एब्रोगेट आर्टिकल 370, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं है तारगुरा जी। यू नो एक जगह, एक वर्ल्ड क्लास जगह बन सकती है जब सारे लोग इकट्ठा साथ में आए यू नो। तो आई थिंक एक बहुत अहम स्टेप तो लिया गया है अभी, आई थिंक इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट यू नो, पीपल लाइक अस, पढ़े लिखे जो यू नो पर्सनालिटीज है कश्मीर की, मासेस को बताने के लिए कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और सिर्फ एक ही चीज पर हमें डेवलप कर, एक ही चीज पर हमें कॉन्सेंट्रेशन करनी है, वो है डेवलपमेंट पर यू नो, एंड उस पर अगर हम अपनी एनर्जीज लगाए यू नो, सो आई थिंक कश्मीर को कोई नहीं रोक सकता है बेहतरीन डेवलप्ड रीजन बनने से, और हमारी फिल्म में ये ही दिखाया गया है। तो क्या आप चाहेंगे कि जैसे ही कोविड के हालात बेहतर हों, आप इस फिल्म की एक बहुत बड़ी प्रीमियर जो है वो श्रीनगर में जाके, लद्दाख में जाके करेंगे? जी ऑफ कोर्स ताहिरुल्लाह जी, ताहिरुल्लाह जी डू यू नो कि हमारी फिल्म में जो मोर देन आई थिंक 90% पीपल आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो वो हमारी फिल्म है, वो उनकी लोकल की फिल्म है, शूट किया है श्रीनगर में और वहां के पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन ने हमें इतनी हेल्प की है कि कर्फ्यू के वक्त भी हमारी शूटिंग होती थी यू नो। तो प्रीमियर तो बहुत बड़ा होगा यू नो, सब लोग रुके हुए हैं फिल्म के लिए, हमारी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी शूटिंग के दौरान, एंड तभी लोगों को लग रहा था कि वाओ कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन, और हमें तो निकलना है ये वायलेंस से, कर्फ्यू से यू नो। तो एक फिल्म जो होती है ना ताहिर कुराची, वो एक कॉमन मैन को बहुत अच्छी तरह से चीजें समझाती है यू नो, सोचने पर मजबूर कर देती है यू नो। और जब हम वहाँ पे शूट कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के लोग, लेह लद्दाख के लोग, ये सब यू नो देवर जस्ट ईगरली वेटिंग यू नो कब ये फिल्म आए यू नो, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कोविड और विंटर्स थे कश्मीर में इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च, वी कुड नॉट शूट, लेकिन वी शॉट यू नो, वी फिनिश द मूवी। तो एक बहुत बड़ा प्रीमियर तो जरूर होगा वहां पर, सेलिब्रेशन भी होगी जरूर। तो जो डायस्पोरा यहाँ पे अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया में रहता है, इनके लिए भी कभी आप प्लान करेंगे कोविड के खत्म होने के बाद कि यहाँ पर भी इस फिल्म के प्रीमियर्स लेकर आएं? जी जरूर तारगुरा जी, जरूर यू नो। और ये फिल्म एक्चुअली बनी है बिग स्क्रीन के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि वी आर फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स यू नो, तो जब जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो एक बिग स्क्रीन के हिसाब से होती है, हमारे जो कैमराज है दे आर वर्ल्ड क्लास कैमराज, जैसे फिल्म के लिए हमने Arri Alexa XT विद कुक लेंसेज यू नो, इट्स अ वेरी गुड सेटअप, ये सेटअप कैन बी मैच टू अ हॉलीवुड सेटअप,
और ऑब्वियसली डॉल्बी मिक्स हमने किया है फिल्म की, तो प्रीमियर तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक पीपल टू कम फॉरवर्ड सो दैट यू नो वी कैन रीच मैनी मोर प्लेसेस ताहिर बुरा जी। हम चाहेंगे कि हम आपसे, युवराज जी आपका वक्त बहुत कीमती होता है, आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम आपका समय लेते रहें और आपसे बातचीत करते रहें, ना सिर्फ इस फिल्म के हवाले से, बल्कि आप फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर ही नहीं हैं, एक आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी हैं। आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, समाज को अच्छा से अच्छा रंग देना चाहते हैं। आखिर में इस फिल्म के हवाले से जो आपने और मैंने थोड़ी बातचीत की, कोई बात मैं मिस कर रहा हूँ और आप उसको ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज़ अपने मैसेज को ऐड ऑन कीजिए। जी जी तागोरा जी, फर्स्ट मैसेज इज के 5th of August इज अ बिग डे फॉर आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वी शुड ऑल सेलिब्रेट इट। डेवलपमेंट एंड पीस इन जम्मू कश्मीर मीन्स डेवलपमेंट एंड पीस इन द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दूसरी चीज ताहिर गुरा जी के, वी लिव इन सच अ डाइवर्स वर्ल्ड एंड डाइवर्सिटी इज ब्यूटिफुल। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी। एक हमारे जो डिफरेंट रिलीजन्स है वर्ल्ड के, वी शुड को एग्जिस्ट। मजा आता है, डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट वेज है, एंड एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज बैड। अगर एक कोई फुटबॉल फुटबॉल फैन है एंड ही लव्स हिज क्लब, बट इफ ही बिकम्स एन एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीम लव उसने शो किया उसके क्लब को भी, इट बिकम्स अगली। सो आई थिंक एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड। वी शुड बी वेरी मॉडरेट। हमें लाइक इंसान की फीलिंग्स के हिसाब से वी शुड बिहेव विद ईच अदर, मेकिंग। सो आई थिंक जो हमारी फिल्म है इट प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ कश्मीरियत, एंड वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू वॉच द मूवी एंड गेट टू नो मोर अबाउट कश्मीरियत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम आपको आपकी फिल्म की तैयारियों पर भी आपको मुबारकबाद देते हैं और 5 अगस्त के शुभ दिन पर भी आपको मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें इतनी रात गए वक्त दिया। थैंक यू सो मच तारगुरा जी, एक आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी, और आई शुड टेल योर टीम आल्सो, जो आपकी है, जो खुलकर आप इतनी अच्छी डिस्कशंस करते हैं, और जिनका एम इज वर्ल्ड पीस, ये बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है आपके सारे शोज में। एंड थैंक यू सो मच, एंड वी आर कनेक्टेड, एंड मैं आपसे शेयर करते रहूंगा माई थॉट्स, माई आइडियाज एंड माई प्रोजेक्ट्स। So nice of you. Thank you very much. All the best to you, all the best to your wife, and all the best to your team. And your work is highly appreciated by Indian diaspora. Either they live in Canada or in the US or Europe or Australia. Everywhere in the world want to watch this movie, especially on this very auspicious occasion of August 5th.